नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है ना, संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलिए इसको भी आज समझ लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझ लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण इसका हम कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और दूसरे हमारे पास कौन है, इमेजिनरी नंबर। कौन सी है, इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर यानी हमारे पास क्या होता है, काल्पनिक संख्या। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, जो कि हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या। अब अगर मैं रियल नंबर को क्लासिफाई करूं तो रियल नंबर भी कितने तरह के होते हैं, आओ देख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है इंटीजर यानी क्या होता है हमारे पास, पूर्णांक। ठीक है ना, पूर्णांक। ये देखो, तो हमारे पास रियल नंबर को भी मैंने किसमें डिवाइड कर दिया, रियल नंबर को भी डेसिमल और इंटीजर में। आराम से समझते जाएंगे, डेसिमल और इंटीजर में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। एक बार देख लीजिए, चलिए दिख रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो डेसिमल में दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक क्या होता है रिपीटिंग, ठीक है ना, एक क्या होता है हमारे पास रिपीटिंग, रिपीट करने वाले, जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है ना, रिपीट करने वाले। और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग मतलब इनकी रैंडम वैल्यू होती है, जैसे 3.4569 ऐसे चलती जाती है, ठीक है ना। और इसमें रिपीटिंग यानी जैसे 4.65 बार इस तरह का आपने पढ़ा था, और कैसा, 0.4545 और 45, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिपीटिंग, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे तालिका को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए देखते हैं इंटीजर्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो भी समझ लेते, ठीक है। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, आप लोग ऐसे ही टेबल बनाइएगा, इसके आगे से आप लोग टेबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पूर्णांक को बांटेंगे इंटीजर्स को, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से तालिका बनाएंगे आप लोग, यहां जगह नहीं इसलिए मैं मिटाए दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है, पूर्णांक को हमने कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, तीन भागों में। इसमें क्या होता है, निगेटिव, फिर क्या होता है जीरो, और फिर क्या होता है हमारा पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, निगेटिव नंबर, और हमारे पास क्या होता है जीरो। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नंबर की जगह इंटीजर लिख लो, इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर की बात करो तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, -1 कैसे लिखे जाते हैं, -3, -2, -1, ऐसे निगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करो तो 1, 2, 3, 4, 5, और जीरो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जो कि जीरो ऐसे लिखा जाता है। तो ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जीरो, और हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये देखिए, जब आप लोगों ने नोट्स बना के लाया हूं, जो नोट्स है ये देखिए, इस नोट्स को देखिए, इसमें पूरी तालिका बनी हुई है, ठीक है ना, शायद ये अच्छे से दिख नहीं रहा हो,
दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें मैंने पूरी तालिका बनाई हुई है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। तो आप बस देखते जाइए आराम से क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए पॉजिटिव इंटीजर को किसमें क्लासिफाई कर लिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, इसमें पहला हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। कहां से चालू होती है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, और यही हमारे पास क्या होती है, हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होल नंबर, होल नंबर यानी हमारे पास क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करूं तो ऐसी जो जीरो से, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, तो ऐसे संख्याओं का समूह हमारे पास क्या कहलाता है, होल नंबर, ठीक है ना। तीसरी हमारे पास क्या होती है, इवन नंबर, इवन, इवन नंबर, इवन नंबर यानी हमारे पास क्या होता है, सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, सम संख्या हमारे पास। देखिए पटवारी में जितना जरूरी है उतनी ही बात होगी, ठीक है ना, कोई क्लास एक क्लास में खत्म हो जा रही है, कोई दो क्लास में, ऐसा नहीं है। जितना जरूरी है मैं उतना कवर करके दे रहा हूं, जितना जरूरी है, ठीक है ना। तो इवन नंबर यानी सम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित होती है, जैसे, सॉरी लगता है क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए क्लास रुक गई है। तो कहां तक हो गया था, सम संख्या हो गया था ना। चलिए सम संख्या के बाद देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 23, 11 और 5 ले लो, 5 और 9 ले लो, ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और अब इसी में आप इसी लाइन पे लिखते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए क्लास बीच में रुक गई थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा आगे बढ़ गया था। चलिए अब फिर से देख लीजिए, इसी में आगे लिखिए प्राइम नंबर, क्या हुआ अपना अगला, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हेडिंग डाल लीजिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, एक बार हेडिंग डाल लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड मतलब जैसे हमारे पास 3 और 5, ये 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर हैं। कैसे हम कह सकते हैं 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर हैं, कैसे, देखिए 3 ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 या तो 3 से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से डिवाइड हो सकता है। 5 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 5 से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से डिवाइड हो सकता है। 7 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 7 से हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इवन, इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर यानी 2 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट इवन है, इवन, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो एक बार प्राइम नंबर लिख लीजिए, ऐसे ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। चलो इतनी बात समझ में आ जाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं क्या, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ हम क्या लिखते हैं, को प्राइम नंबर, आराम आराम से सीखते जाना, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं, को प्राइम, यहां क्या कर दो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य, क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जैसे देखिए सह अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने कहा 5 और 7, 5 और 7। अब अगर 5 और 7 सह अभाज्य है तो इनके बीच का जो एलसीएम होगा ना, इनके बीच का जो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना होगा, 1 होगा। इनके बीच का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 भी किससे डिवाइड होगा, या तो 5 से होगा या तो 1 से। 7 भी हमारा किससे डिवाइड होगा, या तो 7 से होगा तो या तो 1 से। तो इनके बीच कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये है। तो HCF इसका कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 1। अगर इस पेयर का, अगर इस पेयर का HCF, अगर इस पेयर का HCF अगर 1 है, तो ये संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या। अब देखो 16 और 25,
16 और 25। और हाँ एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मैंने 16 और 25 लिखा है, पहले इसको भी देख लेते हैं। देखिए 16 और 25 ये भी हमारी सहअभाज्य है। क्यों सहअभाज्य है? कोप्राइम है। क्यों कोप्राइम है? देखिए इनके बीच भी क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 और 4 चौक 16, या तो 4 से ये डिवाइड होगा, ठीक है ना, 4 चौक 16। और इसके इसके कितने फैक्टर बनेंगे, देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए 16 के, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना, इसके कितने हो जाएंगे, इसके भी 5 × 5 देखिए। और इसके फैक्टर क्या बनेगा, इसका एक फैक्टर 1 बन जाएगा और इसका भी एक फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या है, 1 है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कोप्राइम नंबर जरूरी नहीं कि वो जो अलग अलग इंडिविजुअल नंबर है वो भी प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कोप्राइम नंबर में ये जरूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल नंबर है ये भी प्राइम नंबर हो। क्यों, 16 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 16 प्राइम नंबर नहीं है। 25 प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इनके बीच में जो ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, ये दो जोड़ों को मिला के प्रॉपर्टी, लेकिन अगर दोनों प्राइम नंबर है तब तो उनके बीच में HCF 1 हो गई, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं भी है तो वो भी किस श्रेणी में आएंगे, हमारे को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं को प्राइम नंबर से। कंपोजिट नंबर अगला क्या है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। चलो भाज्य संख्या है देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद पेन प्राइम। चलो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है ट्विन प्राइम, ठीक है ना। चलो एक और लिख लो हेडिंग, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, ट्विन प्राइम, ट्विन 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 ट्विन। चलो क्या लिख लो, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ठीक है ना, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य जोड़े, क्या बोल सकते हैं, अभाज्य, अभाज्य जोड़े, क्या बोल सकते हैं, अभाज्य जोड़े, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम की अगर मैं बात करूं तो जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना, जिनके बीच का अंतर 2 होता है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। देखिए ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है ना, 11 13। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। और इनके बीच का डिफरेंस देखिए, इनके बीच का डिफरेंस 13 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ट्विन प्राइम कौन होते हैं, जिनके बीच का अंतर, ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनके जिनके बीच का अंतर अंतर 2 होता है, 2 होता है, जिनके बीच का अंतर 2 होता है, ऐसे जोड़े हमारे क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाते हैं, ठीक है ना, ट्विन प्राइम, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई, अब कुछ नोट लिख लेते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट लिख लो, नोट नोट। चलो कुछ बता देता हूं, हालांकि मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, एक बार देख लो, ठीक है ना। ये देखो पीडीएफ में लिखा हुआ है, 1 से 50 तक अगर मैं बात करूं, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, क्या आप लोगों को पता है 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहां से, ठीक है ना, याद रख लेना। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक, ठीक है। चलो 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर मैं बात करूं 1 से 100 तक, अगर मैं 1 से 100 के बीच बात करूं तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, देखो 1 से 50 15 और 50 से 100 10, तो 15 10 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आ जाओ अब देख लेते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अब हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मान, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मान साथ बोलते हैं, फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मान, ठीक है ना, यह फेस वैल्यू। जैसे मैंने कहा, 4325
ठीक है ना। मैं चार का क्या निकालो, फेस वैल्यू। चार की फेस वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, तो चार की फेस वैल्यू यहाँ कितनी है, चार है। अगर मैं तीन की फेस वैल्यू पूछूं तो तीन है, ठीक है ना। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फेस वैल्यू दो की फेस वैल्यू कितनी है, दो है। और पांच की फेस वैल्यू कितनी है, पांच है। तो किसी भी संख्या का निकाल सकते हो ना, जैसे 42 में चार की फेस वैल्यू क्या है, चार है। और दो की फेस वैल्यू कितनी है, दो है, ठीक है ना। दो की फेस वैल्यू कितनी है, दो है, ठीक है। तो चलो ये हुआ प्रत्यक्ष मान, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालो प्लेस वैल्यू। अभी क्या हुई हमारे पास, फेस वैल्यू। अब हमारे पास क्या होगी, प्लेस वैल्यू। अब डालो हेडिंग क्या, प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास, स्थानीय मान। बचपन में पढ़ा था ना, स्थानीय मान, ठीक है ना, स्थानीय मान। आराम से पढ़ते जाओ, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, कोई हंसी मजाक नहीं, ठीक है ना, एकदम आओ चलो पढ़ते जाओ। स्थानीय मान जैसे 4325, ठीक है ना। इसमें हमें पता है कि ये क्या होता है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ठीक है ना, ठीक है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई वन, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई टेन, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हंड्रेड, और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई थाउजेंड, ठीक है। ये होता है इसमें प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 है। लेकिन अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछूं मैं तुमसे 2 की, तो 2 की हमारे पास क्या है, 20 है, ठीक है ना। अगर 3 की पूछूं तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगी, 300, ठीक है ना। अगर मैं 4 की पूछूं, 4 की तुमसे प्लेस वैल्यू पूछूं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है ना। ये लो, सरल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस नंबर सिस्टम में आता है इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है ना। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है, चलो आ जाओ। चलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। इतना हो गया, अगला टॉपिक डाल लो, फैक्टर्स। अगला टॉपिक है फैक्टर्स, गुणनखंड, फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टर्स। चलो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, फैक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, गुणक, और हमारे पास क्या होता है, गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड। गुणक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। और गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों हमारे पास क्या बन गया, टॉपिक बन गया, ठीक है ना। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मल्टीपल्स जो होते हैं, गुणक जो होते हैं, और गुणनखंड, इनमें क्या अंतर होता है। आप लोग यहां वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट सेक्शन में अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर बताना, ठीक है ना। चलो तो गुणनखंड, गुणक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सात के अगर मल्टीपल की हम बात करें तो क्या होता है, 7 होता है, 14 होता है, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, और ये चलता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। 7 7 मल्टीप्लाई करते जाओ, 7 2 14 21 28 35, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, ये चलता जाएगा। लेकिन गुणनखंड अब देख लेना, गुणनखंड। अब जैसे मैं निकालू 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 12 किससे किससे डिवाइड होगा। तो 12 हमारा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ना 4 3 12, हाँ 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 12 के फैक्टर हमारे पास निकल के कितने आ गए, 1 2 3 4 और 6। तो ये 12 के फैक्टर हो गए, ये 7 के मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल बोलेगा, अगर 12 के मल्टीपल बोलता, 12 का मल्टीपल बोलता, मल्टीपल तो 12 24 12 36 12 44, और डॉट डॉट चलते जाते, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर समझ में आया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना।
चलो अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लो, ऑड इवन के, ऑड इवन के थोड़ा कॉन्सेप्ट है उनको भी समझा देता हूं, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी बढ़िया चीजें देखते हैं, ठीक है ना। ऑड इवन तो चलो लिख लो, चलो लिख लो, हमारे पास क्या है, ऑड प्लस माइनस ऑड। ये देखो ऑड जब भी लिखूंगा ऑड तो उसको मैं सिर्फ क्या लिखूंगा ओ, और इवन जब भी लिखूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा इवन, ठीक है ना, ई और ओ, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कन्वेंशन समझ में आया। चलो तो ऑड प्लस माइनस ऑड, ऑड प्लस माइनस ऑड हमारे पास कितना होता है, अब ऑड में ऑड जोड़ोगे ठीक है ना या घटाओगे, जैसे जैसे 3 माइनस 5 माइनस 3 ठीक है ना, ऑड ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो हमारे पास क्या आया 2 आया, ठीक है ना, 2 आया, और 2 हमारे पास क्या है इवन है, तो ऑड प्लस माइनस ऑड हमारे पास क्या होता है इवन होता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखो यूज कहां आएगा, ये यूज कहां है, ये तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएगा या डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेगा एक नंबर में, ठीक है ना, पूछ भी सकता है। अब है नंबर सिस्टम में तो एक बार लिख लो इसको भी, लिख लो इवन प्लस माइनस इवन, ये हो गया ठीक है ना। अगला हमारे पास क्या है ऑड प्लस माइनस इवन, ऑड प्लस माइनस इवन, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है ऑड, ऑड की पावर इवन, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्या होता है, यहां पे लिख लो इवन की पावर ऑड, इवन की पावर ऑड, इवन की पावर ऑड, ठीक है ना, इवन, इवन की पावर ऑड, और ऑड हो गया, और हमारे पास क्या है ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन, इवन। चलो इसको भरते हैं, इवन प्लस माइनस इवन, इवन प्लस माइनस इवन क्या होता है हमारे पास इवन, ठीक है ना, ऑड प्लस माइनस इवन, ऑड प्लस माइनस इवन हमारे पास क्या होता है ऑड, ठीक है ना, ऑड प्लस माइनस इवन हमारे पास क्या होता है ऑड होता है, ऑड प्लस माइनस इवन हमारे पास क्या होता है ऑड, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ऑड होता है, ऑड होता है, चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 क्या है ऑड है, प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, तो ऑड की पावर इवन ऑड होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे इवन की पावर ऑड इवन, और ऑड इंटू इवन तो इवन है हमेशा, तो क्या रहेगा इवन रहेगा, ठीक है। एक बार ये तालिका बना लो, एक बार ये टेबल बना लो, फिर उसके बाद और नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, फिर नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना, नंबर सिस्टम का अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ठीक है। चलो इतना हो गया, मिटाए दे रहा हूं, मिटाए दे रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, सब समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। चलो अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम कैसा, बाइनरी नंबर सिस्टम। अगली हेडिंग डालो क्या है हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है 0 और 1, 0 और 1। क्यों बाइनरी नंबर हमारे पास 0 और 1 होता है, क्योंकि इसका बेस जो हमारे पास होता है वो कितना होता है 2 होता है, और ये हमेशा किससे छोटा होगा 2 से, यानी 0 और 1, 0 और 1। इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं, कंप्यूटर में भी यही लैंग्वेज यूज होती है, कौन सी, बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है, ठीक है ना। अब चलो अब क्या लिख लो, डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से कहां तक होता है, 0 से 9 तक होता है, 9 तक होता है, क्यों, क्योंकि इसका बेस हमारे पास क्या होता है 10 होता है, तो ये नंबर 0 से 9 तक चलेगा। ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है, देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास कहां होता है, 0 से 7 तक होता है, 0 से 7 तक होता है, और इसका बेस कितना लिखा जाता है 8 लिखा जाता है, इसका बेस कितना लिखा जाता है 8 लिखा जाता है। और हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, ठीक है ना, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, हेक्सागोनल नहीं बोलते हैं, सॉरी सॉरी, हेक्साडेसिमल, हेक्सागोनल याद आ रहा है, सॉरी, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूं, बस आपको इतना याद रखना है, डेसिमल में 0 से 9, ऑक्टल में 0 से 7, और हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कहां होता है, ये पहले 0 से 9 चलता है, 0 से 9 तो अंक तक चलता है, फिर इसमें क्या होता है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे चलता है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे चलता है, ठीक है ना, तो ये एफ तक जाता है, जहां ए का हमारा क्या होता है 10, बी बराबर 11, सी बराबर 13, डी बराबर 14, ई बराबर 15 और एफ बराबर 16, ठीक है ना, ये एफ बराबर हमारे पास क्या होता है 16 होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास कौन कौन से, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
चलो ये लिख लिया, ये लिख लिया, अरे इसको यहीं तक लिखो, इसको यहीं तक लिखो, ठीक है ना, ये इसको, ये ई, ये ई तक, ठीक है ना, 15, ठीक है ना, तब ना 16, 0 से 15 मतलब 16 हो गए, ठीक है ना। और ये कहां से कहां तक, 0 से 7 तक होता है, मतलब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर हो गए। इसी तरह 0 से 9 में 10 नंबर हो जाएंगे, 0 से 1 में 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 से छोटा 2, बाइनरी हमारा क्या होता है, हमेशा 0 और 1 होता है, ठीक है। चलो आओ किसी भी, आप क्या करो कन्वर्जन लिख लो, कन्वर्जन पूछेगा तो एक ही पूछ सकता है, कन्वर्जन इतना कठिन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कठिन क्यों नहीं पूछेगा, पटवारी के एग्जाम में बहुत कठिन नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया, अगर इसमें बाइनरी से, तो बाइनरी तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन लिखो, हेडिंग डालो कन्वर्जन, कन्वर्जन किसका, बाइनरी सॉरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अगर किसी भी नंबर को डेसिमल से, डेसिमल से बाइनरी, यानी डेसिमल में अगर लिखा हुआ है कितना, 14, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, और इसको तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सबसे सीधा सा फंडा है, सबसे सीधा सा फंडा है, 14 को क्या करो, 2 से डिवाइड करते जाओ। लेकिन यहां डिवीजन करने का तरीका थोड़ा सा अलग रखेंगे, आओ सीखते हैं, 2 से डिवाइड करना है, जिस बेस से, हमारे पास बेस क्या है 10, ले किसमें जाना है 2, यानी बाइनरी में ले जाना है, तो भाग किससे करेंगे 2, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं 2 से, अगर बात करेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 सत्ते 14, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, अगर 2 से हम 14 को भाग देंगे तो 2 7 बार में पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। चलो आगे डिवाइड करो, 2 से 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 1, ठीक है ना, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1, ठीक है ना, रिमाइंडर 1, अब देखो रिमाइंडर 1 और 1 एकम, अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, इस तालिका को थोड़ा बनाना है। अब ये जो हमारे पास निकल के आए हैं 1, 1, 1 और 0, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे देखते हैं। चलो आओ इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे हुआ। अब जो भी तुम्हारे पास है यहां से, यहां से देखो, अब जो भी तुम्हारे पास है यहां से, इन सब को ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ यानी नीचे से। तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, 1 है ये वाला हो गया, ये वाला 1 लिखो 1, ये वाला 1 लिखो 1, और ये वाला 0 लिखो। तो हमारे पास ये कन्वर्ट होके आ गया, यानी 1110 हमारे पास क्या दर्शा रहा है, 14 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1110, ठीक है ना। अगर आपको रिचेक करना है कि अगर ये सही है कि नहीं, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें कैसे फिट करेंगे और उसको भी देख लेते हैं। जैसे 2 to the power 0, ठीक है ना, 2 to the power 0, 2 to the power 1, ठीक है ना, 2 to the power 0 = 1, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, और ये ऐसे चलता जाता है। अगर मैं इस सीरीज को बना दूं तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, ठीक है ना, 1, 2, 4, 8। अब देखो हमें कितना बनाना है, 14 बनाना है, हमें कितना बनाना है, 14। तो देखो अब हम किसके किसको मिला के, अब हम किसको किसको मिला के 14 बना सकते हैं, 8, 4, 12, अगर मैं इसको इसको जोड़ दूं और इसको क्या कर दूं, 2, 14, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 बन जाएगा, 8, 4 और 2 को जोड़ने पर 14 बन जाएगा। तो हम क्या करें, 8 के नीचे 1 लिख दें, 4 के नीचे 1 लिख दे, 8, 4, 12 और 2 के नीचे 1 लिख दे, जिनको जिनको जोड़ के हमने यूज किया है, इसको इसको इसको, अगर मैं 8, 4, 12 और 2, 14, ठीक है ना, 2, 14 अगर मैंने इसको बनाया है, तो इनके नीचे मैं क्या लिखूंगा, 1, 1। अब अगर इसको भी मैं जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, 15, लेकिन हमें क्या चाहिए, 14, इसलिए इसको यहां पे क्या कर दो, 0 कर दो, इसलिए इसको यहां पे क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है ना। चलो और नंबर बना के देख लेते हैं, और नंबर, ठीक है ना। चलो 7 को बना के देखते हैं, 7 को, 7 को कैसे बनाएंगे, 8, 4, 2, 1, 7 हमें बनाना है, बताओ कौन कौन से नंबर यूज करेंगे, 4, 5, 6, 1, 7, 4, 5, 6, 1, 7, इस बार क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को यूज करना पड़ेगा। तो इन तीनों को क्या करो, 1, 1, 1, इन तीनों को 1, 1, 1 कर दो, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 7 बनाना है, 7 बनाना है, तो 4, 2, 6, 1, 7 यहीं से बन गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो इसको 0 कर दो। तो हमारे पास 7 का कोड क्या आ गया, बाइनरी में, बाइनरी में हमारे पास 7 हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर 7 को ऐसे भी कन्वर्ट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 2
दो तिहाई छह एक बचा, ठीक है ना, दो एक कम दो एक बचा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहां से लिखना चालू करो, यहां से यहां, तो क्या हो जाएगा, वन वन वन। और ये देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, दोनों से क्या आंसर आ रहा है, चाहे डिवाइड करके बनाओ, चाहे इस फॉर्मूले को, चाहे इस पे लिख लो, ये वाले अरेंजमेंट से बनाओ, दोनों अरेंजमेंट से कैसा आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, तो चलो अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो कैसा लग रहा है एक कमेंट जरूर कर दिया करो कि सर वीडियो अच्छा है कि कैसा है, ताकि समझ में तो आए कि क्या चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो तो हमें क्या करना है, 10 को जो कि डेसिमल में है उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है ना सर। हमारे पास क्या है, 12 को 12 किस में है, डेसिमल में है, उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, चलो अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं, अगला टॉपिक लिखो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास, चलो कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो लिख लो, चलो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखा देता हूं, प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है ना। चलो देखो ये भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, दिख रही है क्या, दिख रही है ना, हाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार काम है तो बता देता हूं, लिख लो। चलो आओ लिखे लेते हैं, चलो अभी हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारे पास कितना होता है, दो होता है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर दो होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी, चाहे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलो या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलो, दोनों ही हमारे पास क्या होता है, दो होता है, ठीक है ना, दोनों ही हमारे पास दो होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, तीन होता है, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिख लेना, एक एक नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर मतलब एक अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन होता है, एक अंक का, तो यूनिट डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, सात होता है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट जो कि जिसमें क्या है, सिंगल अंक है, वो हमारे पास क्या होता है, सात होता है, ठीक है ना। टू डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 11 होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और टू डिजिट का, और यहीं पे लिख लो कि टू डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 97, ठीक है ना। चलो इतना लिखने के बाद अभी ये क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, और अगली क्लास जल्द आने, मतलब इसके दो पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, इसको दो पार्ट में दिया जाएगा, शायद आपको एक साथ दोनों पार्ट मिल जाए, या तो अलग अलग करके। अभी डिविजिबिलिटी भी इसमें पढ़ाई देते हैं, डिविजिबिलिटी भी बची है तो उसको भी क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको दो पार्ट में मिल जाएगा। चलिए तो इसी क्लास को यहीं पर धन्यवाद करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, अगर दो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, मतलब इवन प्राइम नंबर है, तो ऐसा कौन सा जोड़ा है, ऐसा प्राइम नंबर्स का ऐसा कौन सा जोड़ा है तीन प्राइम नंबर जो लगातार आए और जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना हो, दो हो, ठीक है ना, जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास दो हो। अब अगर हमारे पास यहां पे एक दो तीन प्राइम नंबर लिखे जाए, और उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या हो, दो हो, तो ऐसे तीन प्राइम नंबर लगातार कौन कौन से हैं, तीन लगातार प्राइम नंबर कौन से हैं, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, इसका दूसरा पार्ट जल्द आने वाला है। धन्यवाद।